अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें और मैं हूं आपके साथ गुलफशा अंसारी। खारगोन की एक वीडियो, माफ कीजिएगा, सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे ट्वीट किया है जाकिर अली त्यागी ने। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश में बुलडोजर की खबरों से इतर देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार सुर्खियां बन रही है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के बाद से ही दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस दंगाइयों की पहचान कर रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने 100 दंगाइयों की पहचान करने और 23 आरोपियों की गिरफ्तारी करने का दावा किया है। ये बात और है कि अब तक गिरफ्तार किए गए तमाम आरोपी एक ही धर्म और एक ही मजहब को फॉलो करने वाले हैं। हालांकि ये बात भी और है कि दिल्ली में यह बवाल दो अलग अलग समुदायों के बीच हुआ था। नारेबाजी, पत्थरबाजी, तलवारों का लहराना, बंदूकें चलना, ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन दंगा कराने के पीछे हाथ सिर्फ एक मजहब का है, ऐसा हम नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की अब तक की कार्रवाई कह रही है। खैर, दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली से पहले आपने ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश की देखी होगी, जहां की रिपोर्ट के मुताबिक शोभा यात्रा पर धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों, यहां मैं नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि अब हमारे मुल्क में पत्रकारिता के एथिक्स सिर्फ किताबों पर ही नजर आते हैं। हाँ, तो दावा है कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी की और हिंदू की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, जिसके बाद प्रदेश के मामा यानी के शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, उनसे इस कदर मोटिवेटेड हुए कि बुलडोजर चलवाना सीख गए हैं। और क्योंकि एक धर्म विशेष की भावनाएं आहत हुई, इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दंगाई मुसलमानों की पहचान कर उनके घरों को बुलडोजर से नष्ट नाबूद करने का फरमान जारी कर दिया था। आदेश जारी होते ही प्रशासन ने अलर्ट मोड अख्तियार करते हुए बुलडोजर चला दिया, बिना किसी पुख्ता सबूत, बिना किसी ठोस प्रमाण के। दंगाइयों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, फिर चाहे वो मुसलमान हो या फिर हिंदू, फिर चाहे वो 5 वक्त का नमाजी हो या फिर मंदिर में मंत्रोच्चारण करने वाला कोई पंडित। लेकिन क्या राज्य सरकार न्यायालय की तरह हुक्म सुनाने और सजा दिलाने का काम कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट की क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ तो हर एक राज्य का एक मुख्यमंत्री ही काफी है। इंसाफ दिलाने के लिए और इतनी जल्दी इंसाफ, इतनी जल्दी फैसला तो शायद फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी नहीं सुनाया जाता। खैर दोस्तों, आते हैं खारगोन की उसी खबर की तरफ जिसकी सीसीटीवी फुटेज वायरल है। मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना और उनका आतंक सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि ना सिर्फ पुलिस शांत खड़ी है बल्कि तमाशबीन बनकर असल में जो दंगाई है उनका साथ दे रही है। बाद में सीसीटीवी को भी तोड़ दिया गया है। दोस्तों, आप पहले ये वीडियो देखिए जो जाकिर अली त्यागी ने अपने ट्विटर के जरिए ट्वीट किया है। हम लोग तो ये दोनों तरफ से यही बोलेंगे कि ये शांति की अपील हम लोग नहीं है, वो है, वो बोलेंगे हम लोग नहीं वो है। क्या कहते हो? उससे अच्छा तो जो पीड़ित परिवार को दोनों पक्ष के करें। शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से कहा था कि धार्मिक भावनाएं आहत करने पर छोड़ा नहीं जाएगा, वही सरकार, वही नेता और वही लोग अब इस वीडियो पर इस धार्मिक भावनाएं आहत करने पर खामोश है। अगर यही हाल किसी और अन्य धार्मिक स्थल का हुआ होता
तो किस तरह की खबरें और किस तरह की कार्यवाही कितनी स्पीड के साथ हुई होती, ये मेरे भी सोच से परे है। मस्जिद का बुरा हाल, नीचे पड़ा कुरान धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहा, क्योंकि आज देश में भावनाएं एक ही धर्म की कीमती है वो धर्म है हिंदुत्व, वो धर्म है सनातनी। आज मुल्क में नारों की कीमत इंसान नहीं, किसी मुसलमान की जान से कीमती है। मुसलमानों को मारा जा रहा है, दंगाई भगवाधारी पुलिस प्रशासन सबके सामने मुसलमानों पर जुर्म तशद्दुद किया जा रहा है, और कार्रवाई के नाम पर उल्टा पीड़ित को ही दंगाई की तरह प्रमोट कर उन पर ही कार्रवाई की जा रही है। खैर, इसी तरह की खबरें, इसी तरह की फुटेज और इसी तरह का हाल जो है अब देश की राजधानी दिल्ली से भी देखने को मिल रही है। और खास बात यह भी है कि यहाँ पर भी मध्य प्रदेश की तरह बुलडोजर चलने और चलवाने की मांग की जा रही है। और इस पर हमारे देश के सीएम अरविंद केजरीवाल जो कल तक भाईचारा एकता की बात करते नहीं थकते थे, अब उन्होंने साफ कर दिया है कि दिल्ली में इस तरह की घटनाओं के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदारी है और इसमें जो दिल्ली सरकार है यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार, उनका कोई सरोकार नहीं है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने आसपास की खबरों के लिए हमारे इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें। खुदा हाफिज़।